काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, लखविंदर सिंह जी फिर पूछ रहे ने, इट्स अर्जेंट सर प्लीज़ टेल मी दैट विदाउट रजिस्ट्रेशन एडमिशन इज़ पॉसिबल इन प्राइवेट कॉलेज फॉर डूइंग बीएड। देखिए जो रजिस्ट्रेशन शब्द है ये कोई यूनिवर्सिटी द्वारा, ये रजिस्ट्रेशन शब्द होता क्या है इसमें, यहाँ पर जाके बताता हूँ। जब आप कोई इंक्वायरी के लिए किसी कॉलेज में जाते हो, वहाँ क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि हमारे पास सीट्स हैं, सीट्स कम हैं, आप रिजर्व करवा लीजिए, उसके लिए थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। रजिस्ट्रेशन फीस नॉर्मली पाँच हज़ार ली जाती है, कोई यहाँ 10,000 भी देता है, लेकिन 10,000 वाला कोई कोई है, 5,000 दे दी जाती है। तो ये आपका और ये हो गए आप और ये हो गया कॉलेज, ये कॉलेज और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफॉर्मल बॉन्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है। लीगली तो ये है कि आपने 5,000 दिया है, दूसरा बात यह है कि आपने इनसे रसीद मांगी है, रिसिप्ट मांगी है, अगर ये रिसिप्ट देते हैं तो ये बाउंड हैं और ये आपको वहाँ एडमिशन लेने के लिए रोक नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, एडेड कॉलेज में, बेटर कॉलेज में एडमिशन मिल गई है, आपने 5 या 10,000 जहाँ जमा करवाया भी है और आपके पास रसीद भी नहीं है, आप इनको सिर्फ सिंगल एक वार्निंग दोगे कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगा तो आपको इमीडिएटली वापस ये पैसे कर देंगे। नॉर्मली ये रखेंगे नहीं, कोई कॉलेज ऐसे नहीं करेगा। हाँ कुछ सजेशन कन्विंस कर सकते हैं आपको, कोशिश कर सकते हैं कि आप मत जाइए, आपको ये कर देंगे, हम फाइल फ्री कर देंगे, आपको टीचिंग प्रैक्टिस नहीं लगानी पड़ेगी, आपको जो लेक्चर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपके मार्क्स यहाँ अच्छे हैं, कुछ भी लालच दे सकते हैं। वो एक वीडियो निकालूंगा, इन लालच का कोई फायदा नहीं है, वो अलग से वीडियो होगा, असल युद्ध क्या है। सो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कर रही है, आप जो है एंट्रेंस टेस्ट में आपका स्कोर मान लीजिए 100 आ चुका है, तो आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर ये कॉलेज ही आपको चाहिए है और आपने पहले से बुक कराया है, आपकी सेटिस्फेक्शन है, तो आप ऐसा कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर नहीं है, आपके मार्क्स अच्छे आ गए हैं, आप चेंज करना चाहते हो, आप इनसे पैसे वापस ले सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और ये कोर्ट में जहाँ किसी भी इवन यूनिवर्सिटी में चैलेंजेबल है कि आपसे पैसे लिए गए हैं, एडमिशन अभी शुरू नहीं हुआ। पिछले साल जब ओपन नहीं हुई थी, ओपन मीन के सेकेंड काउंसलिंग के बाद कोई भी कॉलेज अपनी मर्जी से एडमिशन कर ले, ऐसा पिछली बार नहीं हुआ। सेक्रेटरी एजुकेशन ने भी मना कर दिया, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, वहां तक केस पहुंचा नहीं, उन्होंने कहा सेक्रेटरी एजुकेशन ने जवाब दे, सेक्रेटरी एजुकेशन ने पंजाब ने काफ़ी लेट हो गया था मामला तब तक। तो 3,000 बच्चे जो थे उन्होंने ये ओपन में फंसे हुए थे, उन्होंने ये फीस दी हुई थी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी, उन्होंने 10,000 5,000 दिए हुए थे, तो वो 3,000 के ये पैसे दिए हुए नलीफाई हो गए और उनका एक साल भी खराब हुआ। तो ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसका लीगल कोई मीनिंग नहीं है, बस ये आपकी सहमति है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपके फियर से कि कहीं मुझे सीट ना मिले, और वो जो है अपनी सीट फिल करना चाहते हैं। अगर आप सहमत हो तो ये बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यही पैसे बाद में आपकी फीस में से डिडक्ट कर लिए जाते हैं, आपको एडिशनल नहीं देने पड़ते। और दूसरी बात यह होती है कि अगर आपको सस्ती सीट मिली हुई है तो ये कंपैरिजन आपने करने हैं, सस्ती है, पहले से पैसे दिए हैं। हाँ ये आपके पैसे मार नहीं सकते, कोई भी नहीं मार सकता, अगर ऐसा कुछ है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं, लीगल गाइडेंस भी ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी